बॉलीवुड एक्टर नवाजुद्दीन सिद्दीकी को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है। एक्टर की पत्नी आलिया ने उन्हें तलाक का नोटिस भेजा है। ये नोटिस आलिया ने व्हाट्सएप और ईमेल के जरिए भेजा है। रिपोर्ट के मुताबिक आलिया के वकील अभय सहाय ने कहा है कि इस समय पोस्ट ऑफिस बंद है और स्पीड पोस्ट से नोटिस नहीं भेजा जा सकता, जिसके चलते उन्हें ये कदम उठाना पड़ा। वही नवाज की पत्नी ने इस नोटिस पर कहा है कि उनके पास इसके अलावा कोई चारा नहीं था। तलाक के पश्चात मेंटेनेंस की भी मांग की गई है। मेंटेनेंस की यह रकम कितनी है और मेंटेनेंस की रकम के अलावा उन्होंने नवाजुद्दीन के सामने किस तरह की शर्तें रखी हैं, इस बारे में फिलहाल आलिया ने कुछ भी कहने से इनकार किया है। आपको बता दें कि लंबे समय से ये कपल एक दूसरे से अलग रह रहा है। नवाज के बच्चे भी उनकी पत्नी के पास ही रह रहे हैं। आपको बता दें कि इन दिनों नवाजुद्दीन सिद्दीकी और उनका परिवार होम क्वारंटीन है। दरअसल पिछले दिनों ही नवाजुद्दीन सिद्दीकी मुजफ्फरनगर स्थित अपने घर बुढ़ाना आए थे। मुंबई में कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण के चलते उन्होंने कुछ दिनों पहले अपने चार परिजनों के साथ महाराष्ट्र सरकार से अपने घर बुढ़ाना जाने की अनुमति ली थी। शुक्रवार को नवाजुद्दीन अपने चार परिजनों के साथ घर बुढ़ाना पहुँचे थे। घर पहुंचकर नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने अपने आने की सूचना जिला प्रशासन को दी थी। लॉकडाउन के दौरान यात्रा करने पर मुजफ्फरनगर के जिला अधिकारियों के आदेश अनुसार उनके और परिवार वालों के सैंपल लिए गए थे। हालांकि जांच में सभी की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। इसके बावजूद इन सभी को फिलहाल 14 दिनों के लिए होम क्वारंटाइन कर दिया गया है। आपको बता दें कि अभिनेता नवाजुद्दीन सिद्दीकी और आलिया की शादी को 11 साल हो चुके हैं। साल 2009 में दोनों ने लव मैरिज की थी, जिसके बाद अंजना उर्फ अंजलि ने अपना नाम बदलकर आलिया कर लिया था। ब्यूरो रिपोर्ट E24।